आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पहले बहुत ज़्यादा आए थे कि मैं मेरे बच्चे को जन्म के एक हफ्ते बाद ही दांत आ गए हैं, 15 डेज के बाद में दांत आ गए हैं, या फिर 1 मंथ के बाद में दांत आ गए हैं, मेरा बच्चा 2 मंथ का है दांत आ गए हैं। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन मुझे उसमें आए थे और उसी समय से मैं इस टॉपिक पर सर्च कर रही थी। मुझे अब जा कर के ऑनलाइन कुछ जानकारियाँ मिली हैं, तो यही जानकारी मैं आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ। क्या कंडीशन होती है ये, क्या कहा जाता है इसे, और क्या क्या समस्या आ सकती है इसमें, और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख ले जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि आखिर आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे हर पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता नहीं किसे ऐसी समस्या हो। तो ऐसी समस्या से लोग अक्सर घबरा जाते हैं कि जन्म के साथ ही बच्चे को क्यों दांत है, या जन्म के अभी एक हफ्ते बाद ही क्यों दांत आ गए, कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि 4 मंथ के बाद में बच्चे को दांत आने शुरू होते हैं, और कुछ बच्चों को तो 7वें 8वें 9वें महीने, अब तो बहुत से बच्चों को, जैसे मेरे बेटे को भी 11 महीने में दांत आए थे। लेकिन जन्म के साथ ही दांत आ जाने पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं लोग। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो जाए। अब इस समस्या को कहते क्या हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, कुछ बच्चों में जन्म के साथ ही दांत होते हैं, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह में एक या एक से अधिक 2-3 दांत हो सकते हैं। जो एक केस आया था उसमें बच्चे को 7 दांत थे और उसे तुरंत डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। तो जन्म के साथ में जो दांत आते हैं उसे नेटल टीथ कहा जाता है, नेटल टीथ। और जो बच्चों को 1 महीने 2 महीने या 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिनों में दांत आते हैं उसे नियोनेटल टीथ कहा जाता है। अब इसमें कई कंडीशन हो जाती है, जैसे कि 4 तरह के ये दांत आते हैं। कुछ बच्चों को जन्म के साथ ही दांत आ जाते हैं, लेकिन वो दांत एकदम से ढीले होते हैं, जड़ से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे दांत का तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, वो दांत जड़ से जुड़े हुए नहीं हैं। और जब जड़ से जुड़े हुए नहीं हैं, दांत ढीले हैं, तो उस दांत के टूट करके बच्चे के गले में अटक जाने की संभावना होती है, बच्चे को जीभ में भी लगने की संभावना होती है, और जो मदर हैं उनको भी उनके ब्रेस्ट में लग जाने की संभावना होती है। ज़्यादा तकलीफ इसमें ये होती है कि वो दांत जड़ से जुड़े हुए नहीं है, तो दांत तुरंत टूट करके बच्चे के गले में अटक जाएगा और बच्चे का दम घुट जाएगा, जिससे कि बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसकी वजह से जिन बच्चों को ऐसा देखा गया उनका तुरंत डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि 1000 या 2000 बच्चों में किसी एक बच्चे को ऐसी समस्या देखी गई है। तो इस तरह की समस्या अगर बच्चे में है तो बच्चे उसमें हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वहीं पर डिलीवरी हुई रहती है। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा नहीं है, घर पर डिलीवरी हुई है और बच्चे को जन्म के साथ ही दांत हैं, तो तुरंत आप लेकर के डॉक्टर के पास आइए। आप स्वयं उसे न देखें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके छूने मात्र से ही बच्चे के गले में जा कर के अटक जाए, लेकिन फिर भी ध्यान ज़रूर दीजिए कि वो बच्चे के गले तक न पहुँचने पाए। दूसरा, जो इस तरह का दांत होता है उसमें दांत जो है वो जड़ से जुड़े हुए होते हैं, यानी जो जन्म के समय भी आए हैं या जन्म के हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिन बाद भी आए हैं, तो वो जड़ से जुड़े हुए रहते हैं, यानी मसूड़ों में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे दांत को निकालने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चे को ऐसे दांत हैं और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, क्योंकि अभी अभी उसने जन्म लिया है और उसे एक तो ब्रेस्ट फीडिंग आता नहीं है, और मदर भी न्यू मदर हैं, तो वो पहले से ही डर जाएगी कि बच्चे के मुंह में दांत है, कहीं मेरा ब्रेस्ट कट ना जाए, और होता भी ऐसा ही है ज़्यादातर। तो ऐसी समस्या आती है, बच्चे को जेब में लग भी सकता है और उसको अगल बगल मसूड़ों में भी लग सकता है, एक दूसरे दांत से टकरा कर दोनों साइड में दांत है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको उस दांत को निकलवाना ही होगा, तो इसलिए डॉक्टर के पास आना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा
कुछ बच्चों के दांत अभी अभी आ रहे होते हैं, यानी बहुत कम, एक दो हफ्ते बाद आपको पता चलता है बच्चे के जन्म के, एक दो हफ्ते या एक महीने बाद आपको पता चलता है कि बच्चे के दांत आ रहे हैं, यानी बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। तो आप उन्हें स्वयं चेक कर सकती हैं, अगर बहुत छोटे हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, बच्चा जब गर्भ में होता है तो इसकी वजह से बच्चे को ऐसे दांत आ जाते हैं। तो उसे जो कि जन्म के बाद आते हैं, तो उसे नियोनेटल टीथ कहा जाता है। ये नेटल टीथ या फिर नियोनेटल टीथ बच्चे को आते क्यों हैं? तो इसमें कुछ वजह ये बताई गई है कि या तो हार्मोन की वजह से हुआ होगा, किसी एक हार्मोन की अधिकता की वजह से, या फिर बच्चे में कुपोषण की समस्या रही हो, यानी बच्चा जिसमें गर्भ में था उसमें मदर को कुपोषण की समस्या हुई हो, पूरी तरह से उन्हें वो प्रोटीन नहीं मिल पाए हो, वो भोजन न मिल पाए हो, जिसकी वजह से कि बच्चे में ऐसी समस्या आई है। इसके अलावा फैमिली के किसी सदस्य यानी पिता, भाई या बहन किसी को जल्दी आया हो, यानी जिसको दांत आए हैं, जिस बच्चे को उसके फादर, उसके सिस्टर या उसके ब्रदर को जल्दी दांत आया हो, या फिर जन्म के साथ ही दांत रहा हो, या फिर मदर को प्रेगनेंसी के समय पूरी तरह से पोषक तत्व ना मिल पाए हों। इनमें कुछ और वजह भी बताई गई हैं, जैसे कि सोटोस सिंड्रोम, मोतियाबिंद, पियरे रॉबिन, एलिस ब्रेन क्रेवेल्ट। तो ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से कि बच्चे में जल्दी दांत आए हों, या तो बर्थ के समय से ही या फिर बाद में एक दो हफ्ते बाद में आ गए हों। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, अगर किसी बच्चे को आपको ऐसा पता चलता है कि जन्म के समय ही दांत हैं और आपने चेक किया कि दांत ढीले हैं, या फिर डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर आपको सिजरियन के लिए कह रहे हैं, तो उस समय आप हिचकिचाएँ नहीं और बच्चे का सिजरियन करने दें। और अगर बच्चे में जो दांत हैं वो जड़ से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। और अगर बच्चे के दांत जड़ से जुड़े हुए हैं और आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, और आपको ऐसा विश्वास है कि बच्चे को भी कोई समस्या नहीं होगी, तो आप उचित निर्णय उसे उस कंडीशन को समझते हुए लेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।